आज 27 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम कर, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाबा जो श्री मत देते हैं, बाबा जो श्री मत देते हैं उस पर चलते रहो। बाबा की श्री मत है, बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा की श्री मत है, बच्चे अपना टाइम किसी भी बात में वेस्ट नहीं करो, क्योंकि अभी समय ही नहीं है ना। सुलते कार्य करो, सुलते कार्य करो। और प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी है? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी है? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। क्या करेंगे? बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। वे पास विद ऑनर होकर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं, जो जानते हैं हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्री मत दे रहे हैं, उनके लिए गाया जाता है रहम दिल लिबरेटर। ये सब कहा जाता है ना, बहुत महिमा कहते करते हैं बाबा। कहते सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बाबा का फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी बच्चों को मत देते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप है तो जरूर उनकी मत भी कैसी होगी? ऊंचे से ऊंची होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को रावण की मत मिलती है, तुम बच्चों को मिलती है, बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम को उल्टा काम करते हैं। बाबा मत देते हैं सुल्टा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करना। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम, रावण की मत मिलने से क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाबा हम बच्चों को श्री मत दे रहे हैं। क्या श्री मत देते हैं? कि ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो, अपने को आत्मा समझकर अपने पतित पावन बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम हो जाते हो। बाबा श्री मत देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। ये पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल कर युक्ति रचनी है। बाबा क्या समझा रहे हैं? फिर भी टाइम निकालो, युक्ति रचो, बाबा को याद करो। काम करते हुए आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए।
कह रहे हैं बाबा कि काम करते रहो लेकिन बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं, दोनों तरफ दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ तो ऐसे है नहीं। तुम भक्ति मार्ग में कितना बाबा को याद करते हो। कई कहते हैं हम कैसे याद करें। आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे है नहीं। कहते भी है भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है उनको देख नहीं सकते हैं। वह तो जानने की चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है तो परमात्मा को भी जाना जाता है। वे अति सूक्ष्म चीज है, देखो फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से आत्मा कैसे निकल जाती है ये पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा ही साक्षात्कार भी होता है। आत्मा का दीदार हो गया तो बाबा ने कहा इससे क्या फायदा होगा। अगर दीदार हो भी जाए, देख भी लेंगे अगर आत्मा को, तो फायदा क्या है। वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है ना। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहते हैं सुप्रीम सोल। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाता है जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में सबको पवित्र होकर जाना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर के जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबर वार तो होती है ना। देखो नाटक में भी कोई बहुत पैसे वाले हैं, कोई कम पैसे वाले हैं, सब एक जैसे तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं से सुप्रीम कहेंगे। भले पवित्र तो सब बनते हैं, फिर भी नंबर वार ही पार्ट है। कोई महाराजा है, कोई दासी है, कोई प्रजा है। बाबा ने कहा तुम तो एक्टर्स हो। जानते हो इतने सब देवताएं क्या हैं, नंबर वार हैं। तुम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे ना। तुमको ये समृद्धि आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है, बच्चों को तो ये भी खुशी है, ये नशा है। सब कहते हैं हम नरसे नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। पाने का विश्व का मालिक बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार पद पाते हैं। सबको नंबर वार पाठ मिला हुआ है। ये भी ड्रामा बना बनाया है। पाने का ये भी भूत है और ये ड्रामा बना हुआ है। अभी बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। कैसे भी करके बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। माने का कैसे भी करो, बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो तो विकर्म विनाश होंगे। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है। उनको कैसे भी करके यहाँ कैसे भी करके तुम्हें खलास करना है। तब आत्मा भी पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी तुमको ही बनना है। इस समय जास्ती इंस्टॉलमेंट तो भारत है, ये खेल है भारत पर। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आती हैं। पूर्ण जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बन जाते हैं।
स्वर्ग के मालिक तो तुम बनते हो, जानते हो भारत बहुत ऊंच देश है। अभी तो देखो क्या है, बहुत गरीब हैं, गरीब को सब मदद करते हैं, हर बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज भी यहाँ से जाता था, अभी तो गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए वे उधार मिल रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी दे रहे हैं ड्रामा अनुसार वे उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि तो एक ही है, क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है, अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं। मक्खन तो तुम बच्चों को मिल जाता है, बाबा क्या कह रहे हैं, मक्खन किसको मिलता है, तुम बच्चों को मिलता है। ऐसे नहीं कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। मुख में क्या था, माखन था। माखन तो तुम बच्चों को मिलता है, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार, सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक बनते तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में क्या है, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, उसमें तो सारी डिनेस्टी थी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि सबके पांव में क्या है, पदम है। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते हैं, अथाह धन होता है ना। देखो अल्लाह अव्वल दीन का खेल भी दिखाते हैं, अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म की स्थापना करे। सेकंड में बाबा हम बच्चों को जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में फिर साक्षात्कार भी हो जाता है। देखो जैसे दिखाते हैं ना कि कारून का खजाना दिया, ये दिखाया कि कारून का खजाना देते हैं। मीरा देखो कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, उसको दीदारी श्री कृष्ण के होते थे ना। ये सब भक्ति मार्ग है, यहाँ भक्ति मार्ग की बातें नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ भक्ति मार्ग की बातें नहीं है, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जा करके राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है, इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का भी साक्षात्कार होता है। जानते हो ना हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए ये जो बैज है ना, बाबा ने बैज क्यों दिए बच्चों को, ये बच्चे याद रखे, उनको भूले ना, से हमेशा क्या लगा के रखो, बैज लगा के रखो। बैज पहनने से हमें अपनी पहचान रहती है, नशा भी रहता है ना, हम किसके बच्चे हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, फिर माया भुला देती है, फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेंगे, ये भी समझना है। जितना हम याद करते हैं उतना हम ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, बाबा क्या कहते हैं, आप समान भी बनाओ, प्रजा भी बनानी है, इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने से शुरुआत करनी है, अपने घर से ही हमें शुरुआत करनी है। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों को भी क्या कर लेते हैं, उनको फिर इकट्ठा करते हैं। तो तुम भी प्यार से ही सबको समझाओ, बाबा क्या कह रहे हैं, सबको कैसे समझाना है, बहुत प्यार से समझाओ, सब नहीं समझेंगे, एक घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझता है। एक घर में ही देखो, एक चलता है ज्ञान में और दूसरा ज्ञान में नहीं चलता है, एक ही घर में एक हंस हो गया और एक बगुला हो गया।
माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानते नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर के समझेंगे। बाबा ने कहा जो यहाँ के हैं वही फिर यहाँ फिर क्या करेंगे, वही समझेंगे। इस धर्म की स्थापना कैसे होती है, और धर्म वालों की तो सैपलिंग नहीं लगती है ना, वे तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं फिर सबको पावन बना करके ले जाएंगे। बाबा क्या कर रहे हैं, स्थापना करते हैं फिर हमको क्या ले जाएंगे, वो वापिस ले जाएंगे। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु तो एक बाबा है, मनुष्य कभी भी किसी की सदगति नहीं करते हैं, मनुष्य कर ही नहीं सकते हैं, तो सदगति कौन करेगा, सदगति दाता ही कर सकते हैं। उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वही बनाते हैं। रावण तो देखो झूठ खंड बना देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, रावण क्या करते हैं, झूठ खंड बनाते हैं। बाप के लिए भी झूठ और देवताओं के लिए भी क्या कर दिया, बाप के लिए भी झूठ और देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इनको कहा जाता है वैशाल्य, सत्यु को कहते हैं मनुष्य। समझाते थोड़ी, समझते थोड़े ही हैं, वे तो अपनी मत पर ही चलते रहते हैं। इतना लड़ना झगड़ना ये चलता ही रहता है। बाबा ने क्या कहा, देखो कितना लड़ते हैं झगड़ते हैं, बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी भी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, ये दे नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, मारने में देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है, अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े ही कहते थे हमें विश्व का मालिक बना दो। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं। गॉड फादर हेवन स्थापन कर रहे हैं तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बना देते हैं, कलप की आयु लाखों वर्ष कहने से सब भूल गए हैं। बाबा कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाकर इसके मालिक हो गए, हेल के मालिक हो गए। अभी फिर बाबा तुमको हेविन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो तो तुम क्या बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कलप लगता है। बाबा क्या कह रहे हैं, तमो प्रधान बनने से कितना समय लग जाता है, आधा कलप लगता है, बाकी सारा कलप कहीं, क्योंकि कला तो कम हो जाती है, इस समय कोई भी कलाएं है नहीं। बाबा क्या समझा रहे हैं, इस समय कोई भी कलाएं है नहीं। कहते हैं मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण ना ही, आपे ही तरस भरोगे। क्या कह देते हैं, मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण ना ही, आपे ही तरस, अपने आप ही तरस करो। इसका अर्थ कितना क्लियर है, यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं है, महात्माओं को तो विकारों का भी पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोल देते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। बाबा क्या समझा रहे हैं, इस समय माया क्या कर रही है,
देती है एकदम से, तो अनराइटियस बन जाते हैं। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता है तो कितने बिगड़ जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, बच्चा शादी नहीं करेगा तो बिगड़ जाएंगे। बाबा कहते, तुम बच्चों को श्री मत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी उसको समझाएंगे लेकिन वह मानेगा नहीं। कहां बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। ज्ञान में चलते हैं ना, तो ज्ञान में चलने वाले तो यही कहेंगे, तो फिर क्या सब बिगड़ जाएंगे? जो घर में ज्ञान में नहीं चलते होंगे वो तो बिगड़ेंगे ही ना। फिर बाबा कहते, जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं देते हैं, तुम सिर्फ बाप की मत पर याद करके पवित्र बनते हो। और बाबा तुम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। बाबा अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे ये बाप भी अवतरित है। फिर क्या करते हैं, कच्छ में भी, हाँ, कच्छ में, मच्छ में, अर्थात कछुए में, मगरमच्छ में, हाँ, सर्प में, कुत्ते बिल्ली में, मछली में, सब में क्या है, परमात्मा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं कंकड़ में भी भगवान है। बाबा कहते, मेरी और देवताओं की ये कितनी गिलानी करते हैं, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को मैं फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण क्या करते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये खेल है, जो श्री मत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर क्या करते हैं कि तकदीर ऊंची है, वे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। जो पास विद आनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, ये भी डिनास्टी है ना। अब बाप कहते, तुम कितना सच बुद्धि बनते हो। बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे कितना सच बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग, सत्संग एक ही होता है, जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज देकर सच खंड का मालिक बनाती है। कलप के संगम पर तुम्हें सत का संग मिल रहा है। कलप के संगम ऊपर तुम बच्चे को क्या मिल रहा है, सत्य का संग मिल रहा है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता है। पापा क्या समझा रहे हैं, स्वर्ग में क्या नहीं होगा, कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होगा। अभी तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार कर देते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्री मत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है, बाप की भी महिमा होती है और भारत की भी महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है, तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हैं। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। पापा क्या समझा रहे, मैं क्या बनता हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है, मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं और खुशी में आकर के पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में देखो कितना फर्क है, सत्यु में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां फिर वजीर होते नहीं है।
लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वे क्या वजीर की राय लेंगे क्या? बाबा ने कहा, वो तो भगवान भगवती हैं, वो क्या सत्यों में राय लेते होंगे? जरूरत ही नहीं है उनको राय लेने की, क्योंकि वो तो बहुत समझदार होते हैं। जब पतित राजाएं बनती हैं, तब वजीर आदि रखना शुरू कर देती हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान सिर्फ रूहानी बाबा सिखाते हैं और कोई सिखला नहीं सकते। बाबा ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाबा ही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। खाना के लिए भूखे सान है, बाबा की याद के साथ साथ, बाबा की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा चैरिटी बिगेंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है, सबको प्यार से समझाना है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारुण का खजाना दे रहे हैं। बेहद का बाबा हम बच्चों को कारुण का खजाना दे रहे हैं। इसी खुशी में रहना है, क्या करना है? इसी खुशी में रहना है। भगवान हमें क्या कर रहे हैं? कारुण का खजाना दे रहे हैं। आज का वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी इसको दे दी है, बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। बाबा ने कहा, लास्ट वाला भी फास्ट जाकर के फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करें। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो टाइम ना लगे मास्टर बीज बनने के लिए, टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। और स्लोगन है, डबल सेवा के द्वारा, डबल सेवा के द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तो
तो प्रकृति दासी बन जाएगी, बन जाएगी डबल सेवा के द्वारा। पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति क्या बन जाएगी, दासी बन जाएगी। ओम शांति।